वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह पर सोशल मीडिया पर इशारों में अभद्र व अमर्यादित टिप्पणी करने पर मेरठ के सरधना तहसील में कांग्रेस नेता व अधिवक्ता जितेंद्र पांचाल पर काली स्याही फेंकी गई। ऐसा संगीत सोम सेना के प्रदेश अध्यक्ष सचिन खटिक के नेतृत्व में किया गया। यह सेना क्षेत्रीय विधायक संगीत सोम के नाम पर बनाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि भविष्य में जो भी ऐसा कृत्य करेगा उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। यह घटना आज पूर्वाह्न करीब 4:15 बजे की है। सरधना तहसील में अधिवक्ता जितेंद्र पांचाल अपने केबिन में बैठे हुए थे, तभी उनके साथ यह घटना घट गई। अपने साथ हुए इस वाक्य की यह जानकारी जितेंद्र पांचाल ने दी। कुछ गुंडे थे आए और अस्मात यहाँ काला रंग डाल गए मेरे ऊपर। ये तो मनसा भी बताओगे जी, मैं तो मेरी तरफ से तो कोई ऐसा उठा नहीं। उनका क्या उस बात का वो कर विरोध किया होगा, ये तो वही बता सकते हैं जी। मैंने तो कोई सोशल मीडिया पे ऐसा कोई ऐसा आपत्तिजनक कमेंट किया नहीं। कौन है लोग पता नहीं, कौन कौन थे, 10-12 थे। इस घटना के बाद संगीत सोम सेना भारत के प्रदेश अध्यक्ष सचिन कुमार खटीक ने एक वीडियो वायरल किया। इसमें उन्होंने यह भी कहा कि जो भी भविष्य में ऐसी हरकत करेगा उसके खिलाफ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। इस वीडियो में सचिन खटीक ने जो कहा उसे भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं सचिन कुमार खटीक, संगीत सोम सेना का एक छोटा सा कार्यकर्ता। सरधाना में एक असामाजिक तत्व है जितेंद्र पांचाल, जो भगवान श्री राम को लेकर के जब दशहरा आता है तो भगवान श्री राम पर अभद्र टिप्पणी करता है। उसका कहना है कि रावण का पुतला अगर फूंका जाएगा तो वो श्री राम का पुतला फूकेगा। साधु संतों पर अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के महापुरुष जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी और कल्याण सिंह जी पर कल उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उन पर भी उसने अभद्र टिप्पणी की और कहा कि एक दंगई का अंत हो गया और एक नेता मरकर के संत हो गया। इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां वो करता रहता है। तो मैं ऐसे लोगों को एक बार फिर कहना चाहता हूं कि अपनी औकात में रहें। अगर ऐसे कार्य नहीं माने, आज संगीत सोम सेना कार्यकर्ताओं ने तहसील प्रांगण पहुंच करके उसके पास गए जितेंद्र पांचाल के और उससे कहा कि आप अपनी जो आपने टिप्पणी की है उस पर माफी मांगिए, लेकिन वो नहीं माना। तो फिर संगीत सोम सेना कार्यकर्ताओं ने उसके ऊपर काला तेल डालकर उसका मुंह काला कर दिया। और हम जो लोग इस तरीके से हमारे महान पुरुषों के, हमारे साधु संतों के जो भी कोई अभद्र टिप्पणियां करेगा तो उसका हश्र यही होगा और हम ऐसे ही करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम अवश्य हुई है, वहीं विशेषज्ञ तीसरी लहर सितंबर अक्टूबर तक आने के दावे कर रहे हैं। ऐसे में भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से परहेज करें, सोशल डिस्टेंसिंग व सरकारी गाइडलाइन का 100% पालन करें और देखते रहिए firstbite.tv। और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना वे बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलें। नमस्कार।